कोरोना वायरस को लेकर खूब अफवाहें भी फैल रही है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लेना। तो आज ऐसे ही अफवाह के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया में फैला रही है, इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से फैलाई रही है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी मिथक है और अफवाहें हैं, और जाने उसके सच, ताकि आप सब लोग भी अवेयर हो सके। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप समझ पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, मच्छर काटने से कोरोना वायरस फैलता है। WHO का कहना है कि अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसे मच्छर को काटने से कोरोना वायरस फैला हो। इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। न्यू कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या किसी तरह के संपर्क में आने से फैलता है। नंबर टू, एंटीबायोटिक्स कोरोना वायरस के इलाज में कारगर है। एकदम नहीं मेरे दोस्त, झूठ है। WHO ने खुद कहा है कि कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। ये दवाइयाँ सिर्फ बैक्टीरिया को मारती है, वायरस को नहीं। एंटीबायोटिक्स का उपयोग कोरोना के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि COVID-19 नया वायरस है। अगर कोई अस्पताल में भर्ती है तो इसे ये दवाइयाँ दी जा सकती है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। नंबर थ्री, क्या सर्दी जुकाम से फैलता है कोरोना वायरस? ऐसा आवश्यक नहीं है मेरे दोस्त। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में कोरोना वायरस पर हुई रिसर्च में सामने आया है कि सामान्य फ्लू से पीड़ित व्यक्ति से 3 लोगों तक वायरस फैलता है। वहीं कोरोना से संक्रमित व्यक्ति ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। फ्लू का उपचार है, लेकिन COVID-19 की किसी वैक्सीन की खोज अभी तक नहीं हो सकी है। नंबर फोर, क्या पालतू जानवर से कोरोना वायरस का खतरा हो सकता है? अभी तक किसी रिसर्च में सामने नहीं आया है कि पालतू जानवर से कोरोना संक्रमण का खतरा हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुसार अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जो जानवरों को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना आवश्यक है। हाँ, अपनी सेफ्टी अपना सकते हो या हाइजीन मेंटेन कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि पालतू जानवर से कोरोना वायरस होता है। नंबर फाइव, नाक में ब्लीच लगाने से कोरोना वायरस से बचाव होगा। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ मेरे दोस्त। सच तो ये है कि क्लोरीन जैसे कीटनाशक सॉल्वेंट्स जिसमें 75% इथेनॉल, पैरासाइटिक एसिड और क्लोरोफॉर्म होता है, असल में कोरोना वायरस को सतह पर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन तथ्य ये है कि ऐसे कीटनाशक को त्वचा पर लगाने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि शरीर के लिए ऐसा रसायन हानिकारक हो सकते हैं। नंबर सिक्स, हर किसी को N95 मास्क पहनना ज़रूरी है। नहीं मेरे दोस्त, ऐसे हेल्थ वर्कर जो कोरोना संक्रमितों को साथ काम करते हैं उन्हीं को N95 मास्क पहनना आवश्यक है। आम लोग जिनमें कोई लक्षण नहीं है उन्हें किसी मास्क की आवश्यकता नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी मास्क आपको क्या कोरोना वायरस से बचा सकता है? नहीं मेरे दोस्त, अगर वायरस आना हो तो ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं कि वो मास्क से आपको बचाव कर सके। हालांकि आप अगर सामान्य मास्क ही पहनते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। नंबर सेवन, ठंडा मौसम और बर्फ कोरोना वायरस को ख़त्म करता है। बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, झूठ है। सच बात ये है कि कई लोगों का मानना है कि टेम्परेचर कम होने पर कोरोना वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुसार ठंडा मौसम या बर्फ नए कोरोना वायरस या किसी अन्य बीमारी को वायरस को ख़त्म नहीं कर सकता है। नंबर एट, क्या शराब पीने से कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है? नहीं मेरे दोस्त, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसे कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा नहीं मिलती है। यदि आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बचना चाहते हैं तो किसी हाथ धोने के लिए अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश या सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ अफवाहें जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है। सो इस बात को अवेयर हो सके, इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सब लोग अवेयर हो सके और ठगी से बच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो कौन सा चाहते हो वो भी कमेंट कीजिएगा। और इस चैनल हमेशा से बने रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।